हाँ वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक पॉडकास्ट जिसमें हमारे साथ है गेस्ट हमारे अजय। कैसे हैं अजय जी आप? बहुत बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो राहुल जी? मैं भी बढ़िया हूँ। फिर आज का हमारा टॉपिक है कि मैच्योरिटी क्या होती है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या विचार है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कई कई बार बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और कोई कोई लोग बहुत सालों के बाद भी मैच्योर नहीं होते। तो मैच्योरिटी मतलब क्या होती है, आप समझा दीजिए कि पहले मैच्योरिटी क्या होती है और ऐसा क्यों होता है, ये बात में फिर आप बता दीजिए। सो बेसिकली पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है राहुल जी कि मैच्योरिटी मतलब क्या। ठीक है, तो आजकल कैसा है, लोगों का कंसेप्ट क्या है कि अगर मैच्योर होना, लोग मोस्टली ना शादी को लेकर देखते कि अगर मैं मैच्योर हूँ ठीक है तो मैं शादी करूँगा। सो ये मैच्योर वाली जो टर्म है, ये बेसिकली जो है ये शादी को लेकर मोस्ट ऑफ द पीपल लोग देखते हैं कि भाई ये बंदा मैच्योर नहीं है। ठीक है, मगर अगर मेरे प्रोस्पेक्टिव में देखूँ मैच्योरिटी क्या होती है, तो मैच्योरिटी मतलब अब हमारी जो आसान भाषा है जिसे बोलेंगे हम कि समझदार बनना। ठीक है, अभी ये समझदार बनना ये भी एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है मैच्योरिटी को, बिकॉज मैच्योरिटी को कोई एक शब्द में हम जो है यू नो यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन द सिंगल वर्ड। ठीक है, मैच्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ी कंसेप्ट है। तो मुझे क्या लगता है कि मैच्योर होना ये हम नहीं तय करते, या फिर ना ही कोई दूसरा डिसाइड करेगा कि ये बंदा मैच्योर है नहीं है। मैच्योरिटी जो है ये आती है एक्सपीरियंस से और कंडीशंस से, जो वो इंसान जिस कंडीशन में रहता है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो मैच्योर होगा कि नहीं होगा। कि कंडीशन आपने हाँ हाँ बहुत बड़ी कंसेप्ट बता दी कि कंडीशंस जो होती है वो मैच्योरिटी डिसाइड करती है। वो करेक्ट, कंडीशंस मतलब क्या होता है, जस्ट बता दीजिए। राइट राइट। सो मुझे लगता है कि मैच्योरिटी जो है ये कोई बोले उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती, मैच्योरिटी जो है कोई डिसाइड करके नहीं होती, मैच्योरिटी जो है बेसिकली ये कंप्लीटली डिपेंड करती है कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब किस वातावरण में वो जो इंसान है वो फला बड़ा हुआ है, यू नो फल फूल रहा है, दैट व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड कि बंदा मैच्योर हुआ कि नहीं। मतलब कैसे, एनवायरनमेंट मतलब एक लड़का जो है ठीक है, उसके मम्मी पापा अगर जल्दी गुजर जाते हैं ठीक है, तो उसको पूरा घर संभालना पड़ता है बहुत अर्ली स्टेज में। ठीक है, तो कोई बच्चे लोग जो है 6th 7th 5th क्लास से भी जो है घर को संभालना चालू कर देंगे, बिकॉज सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर आने वाली है। ठीक है, तो वो जो है लोगों से जल्दी समझदार होंगे बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर जल्दी आई है। ठीक है, उसी तरफ से अगर अपन नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की तरफ देखोगे तो ऑलमोस्ट जब तक लड़का जो है अच्छा जॉब ले नहीं लेता, जॉब करने के बाद भी जो है उसके मम्मी पापा जो है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। ठीक है, वो एकदम खुला किधर भी कुछ भी कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है फिर उसको मैच्योरिटी जो है वो लेट आएगी, ये मेरा मानना है। तो कंडीशन ऐसे होती है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आप समझदार बनोगे तभी आपको मैच्योरिटी आएगी। तो जो कंडीशंस है वो तो सबके साथ आती है, फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई ज्यादा मैच्योर जल्दी होता है और तो कोई सेम, मतलब अगर देखा जाए तो दोनों की चीजों में कि बोलते हो कि पेरेंट्स दोनों केस में, दोनों बच्चों के केस में अगर जल्दी गुजरती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा मैच्योर होगा। ऐसा कोई एक ही बच्चा है जो बहुत अच्छे से कुछ अपने पैरों पर पे कुछ करता है, जिम्मेदारी उठाता है, कोई बच्चा दूसरे गलत मार्ग पे लग जाता है, गलत काम करने लगता है, फिर बस उसी नाम को बोल हम नहीं बोल सकते ना कि मैच्योरिटी है। कुछ अलग भी और भी चीजें हो सही सकती है बात। तो उसमें। इसके लिए मैंने जब अपना पॉडकास्ट शुरू हुआ राइट, तभी मैंने कहा कि मैच्योरिटी एक शब्द को लेकर नहीं है। ठीक है, समझदार बनना ही मैच्योरिटी नहीं है। जो आप बोल रहे हो दूसरी चीज कि गलत काम कर रहा है, ठीक है, सो गलत काम कर रहा है मतलब वो मैच्योर नहीं है ऐसा थोड़ी है। उसको गलत काम में तो सब चीजें पता है ना, उसको तो पता है कि गलत काम कैसे करना है। ठीक है, मतलब आप अच्छा करो या बुरा करो उसमें आपको चीज़ें पता है कि नहीं, दैट इज़ व्हाट आई फील कि मैच्योरिटी इज़ द थिंग, राइट। कोई लोगों को गलत काम भी करने को बोल दो तो नहीं आएगा ना उनको,
क्यों नहीं आएगा? बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर इनफ इन दैट, राइट? तो ऐसा लगता है. तो मैच्योर मतलब अच्छे चीज़ें में ही मैच्योर नहीं हो सकते ना, बुरे चीज़ों में भी मैच्योर हो सकता है कोई. तो मैच्योरिटी एक चीज़ को लेकर सीमित नहीं है, राइट? तो अब इस केस में चलो ये तो हो गया कि परिस्थिति की वजह से हो गया, परिवार में जल्दी गुजरने वगैरह की। अब कई केस में शादी के बाद लोग बोलते हैं कि चलो उसकी शादी करवा दो, ये मैच्योर हो जाएगा, सही से काम करने लगेगा या फिर ध्यान देगा अपने जीवन में। तो क्या सच में शादी करने के बाद मैच्योरिटी आ जाती है लोगों में? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है राहुल जी. अभी शादी करने के बाद मैच्योरिटी आएगी कि नहीं आएगी, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर. तो इसलिए मैं हर समय ना कंडीशंस के ऊपर जो है जोर देता हूँ. अभी आपने शादी करवा दी, ठीक है, आपने बीवी ला दी उस बच्चों को, ठीक है, मगर सब आप ही देख रहे हो अभी भी, मतलब मम्मी पापा ही देख रहे हैं सब. बच्चे को बीवी ला के दे दी और ये दोनों अभी साथ में रह रहे हैं, मगर मम्मी पापा सभी खर्चा उठा रहे. भाई ये लोग हनीमून जा रहे, मम्मी पापा ही खर्चे उठा रहे, कुछ लग रहा है इनको मम्मी पापा ही कर रहे. तो मुझे नहीं लगता मोस्ट प्रोबली कि शादी के बाद जो है मैच्योरिटी आती है. ये क्यों कहा जाता है मैच्योरिटी आती है शादी के बाद? क्योंकि माँ बाप का कंसेप्ट ऐसा होता है कि अगर बीवी आ जाएगी तो ये खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चालू कर देगा. तो मुझे बहुत मतलब एक पॉइंट मुझे यहाँ पे ऐड करना है कि मैच्योरिटी का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कनेक्ट बहुत तगड़ा है, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, तो आपने शादी करवा दी, मगर आपने जो है बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं दी, उसके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं दी कि भाई तू अभी कमाओ खाओ, बीवी को भी संभालो, बच्चों को भी संभालो, वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट यू. तो अगर ऐसा करोगे आप शादी के बाद, या फिर बिना शादी करे भी उसको अगर अलग रख दोगे, तो मैच्योरिटी तो आ जाएगी ना. तो ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद ही आप मैच्योर बनोगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर गोइंग टू हैव, ऐसा मुझे लगता है. तो सही है। अब ये तो है, बट इसमें ना ये चीज ध्यान रखने की है कि वाइफ भी वैसे अगर थोड़ी मैच्योर है तो वो अपने साथ अपने हस्बैंड को भी लेके जा सकती है मैच्योरिटी की ओर, या फिर अगर दोनों में से कोई एक भी थोड़ा मैच्योर है तो ऐसा नहीं बोल रहा कि वाइफ या हस्बैंड, दोनों तो में से कोई भी, तो वो अपने साथ अपने फैमिली को आगे बढ़ा के लेके करेक्ट जाएगा। करेक्ट बट इसमें यह जरूरी है कि दोनों जो मैच्योर नहीं है उसको सीखने की भी जरूरत है, सीखने की चाह होनी चाहिए आशा, या फिर वो सीखना चाहता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कि मैं तो नहीं बदलूंगा, तो वो फिर उस केस में ऐसा नहीं होगा। तो हमने भी ये नोटिस किया कि बहुत सी चीजों में बदलना नहीं चाहते लोग, ये बड़ी दिक्कत होती है कि मैच्योरिटी वहां हो, ये भी हो सकता है। है, सही बात है, बदलना नहीं चाहते हैं रोक. ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है समाज का, बदलाव नहीं चाहिए. अब ना कभी कभी कई बार ना लोगों को बाहर जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ जॉब हो रही या फिर करियर के लिए जाना पड़ता है। जब हम बाहर जाते हैं जॉब के रिलेटेड कोई दूसरी कंट्री, हम जब हम घर पे होते हैं तब तो हम बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, पर जब हम बाहर जाते हैं जॉब के लिए कोई दूसरी स्टेट में, तब ना हमें जो नॉर्मल चीजें हैं वैसी नहीं मिलती, बहुत सी चीजें बदलनी पड़ती है। तो उसमें से बहुत से चैलेंजेस हम फेस करते हैं जिसमें हम कुछ भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं या फिर सीख मिलती है। तो उस केस में भी हमें बहुत सी चीजें सीखने मिलती है और थोड़ा मैच्योर होते हैं लोग जब हमारा घर छोड़ के चले जाते हैं दूसरी जगह राइट पर। राइट राइट, सही बात. तो आप मैच्योरिटी के रिलेटेड बात कर रहे हो, राइट? अगर आप नए स्टेट में जा रहे हो तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट राहुल जी, कि आप यहाँ पर भी एनवायरनमेंट चेंज देखोगे, राइट? आपकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है आपके घर पे, राइट, दोज आर इन फेवर ऑफ यू. मतलब क्या कि आपके फेवर में वो कंडीशंस है, मम्मी आपको सब कुछ देंगी, पापा आपको सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है. तो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आ रही है, आपके ऊपर जो है ना नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का जो प्रेशर है वो नहीं आ रहा है, ठीक है. तो आप घर में उस हिसाब से मैच्योर नहीं हो गए जो बच्चे लोग हॉस्टल में जाके होते हैं, ठीक है, अर्ली स्कूल एजेस में. जो बच्चे जॉब के लिए जैसे ही 22 ईयर्स 24 ईयर्स हो जाते हैं, आफ्टर देयर डिग्रीज दे विल लीव यू नो देयर होम टाउन और फिर बाहर जाएंगे, और वहाँ पर जाकर जो है
वो न्यू एनवायरनमेंट में उनको ढलना पड़ता है। ओके, तो वो क्या आएगा, आप नई जगह पे जाओगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको खाना ढूंढना पड़ेगा, खाने के लिए बागम बाप करनी पड़ेगी, यू नो, आपको पीपल के साथ, यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल, प्रेशराइज। सो जो प्रेशर है ना एक तरफ से चेंज का, वो आपको मैच्योर करने में ना बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ तो यू नो दैट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू नो मैच्योर इन दैट केस। जितना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर है, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट मच व्हाट आई फील इज गोइंग टू स्पीड अप योर मैच्योरिटी प्रोसेस। बराबर है। अब ना मेरा क्वेश्चन, अब मैं जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनके उनका एक प्रश्न रहता है कि एक हॉस्टल में रहना चाहिए या फिर घर से अप डाउन करना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है? आप कहाँ रहे थे और आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मामले में? मैंने बेसिकली जो मेरी एजुकेशन थी, ठीक है, वो मैंने पूरी घर से करी थी, बिकॉज आई वॉज अ होम सिक पर्सन, अगर मेरी बात करूँ मैं तो, ठीक है। मगर आप ऐसे ओवरऑल पूछोगे तो आई वुड रिकमेंड कि बच्चे जो है वो हॉस्टल में जाकर रहे, बिकॉज यू नो दे विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय वो जिंदगी उनको नहीं मिल सकती, दे कैन नॉट एन्जॉय दोज मोमेंट कभी भी बाद में उनकी लाइफ में, क्योंकि ना आपको जो हॉस्टल लाइफ सिखाएगी, ठीक है, अभी यही तो चीज़ है, मतलब आप अभी फिर से हॉस्टल में रह रहे हो, मतलब आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होगी, तो ये चीज़ें जो है आपको नई चीज़ें सिखाने वाली है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट आई फील इज़ लाइक मैच्योरिटी। एक और पॉइंट मुझे आपको शेयर करने में, यू नो आई एम हैप्पी कि और एक कंसेप्ट इसमें ऐड हो जाती है, जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट में कहा था कि मैच्योरिटी इज़ नॉट लिंक्ड टू ओनली वन वर्ड, तो अभी मैच्योरिटी में अगर हॉस्टल की बात करोगे तो ये आपको सीखने में ज़्यादा, तो जो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है, बिकॉज देयर एनवायरनमेंट विल चेंज, तो उनको सीखना पड़ेगा नई चीज़ें, अडाप्ट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें भी मैच्योरिटी को फास्ट करती है, दिट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू योर मैच्योरिटी। तो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगी इस केस में, आप नई चीज़ें सीखोगे, बिकॉज आप जो है कम्फर्ट जोन से बाहर आए, आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे पता नहीं, ठीक है, आपको रूममेट अच्छा मिलेगा पता नहीं, यू हैव टू अडाप्ट, यू हैव टू लर्न हाउ टू टैकल दैट। जो भी हॉस्टल में बंदे वो रात रात भर लाइट चालू करके सोएंगे, तुमको तो लाइट बंद करके सोना है, ओके, सो यू नो टू अडाप्ट। तो ये चीज़ों से जो है, यू नो दिस इज़ व्हाट यू, मतलब मैच्योरिटी इज नथिंग बट वन स्टेप मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल्स। ये एक पॉइंट भी मुझे लगता है कि इज अ थिंग, यू नो। बात तो बहुत अच्छी है आपने कि अंडरस्टैंडिंग पीपल एक मैच्योरिटी होती है, क्योंकि जो पीपल को अंडरस्टैंड करना ही सबसे कठिन होता है हमारे समाज में, कि कौन सा इंसान कैसा है, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये बात बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आपकी बात आपसे बात बहुत अच्छा लगा। हमारा पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, हमें आपके शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ बात करने में, और ये जो मैच्योरिटी का जो कंसेप्ट था इसको, यू नो टू ओपन अप, आशा है आपके ऑडियंस को ये पसंद आया, यू नो, और वो इससे कुछ ले सके, एंड लेट अस मीट अनदर ग्रैंड, यू नो, पॉडकास्ट ऑन बोला करो। धन्यवाद।